हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं हूँ बेलूर पर और गुड मॉर्निंग बेलूर, ये है बेलूर का बस स्टैंड। तो मैं अभी जाने वाला हूँ नारायणी, यहाँ पे जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है नारायणी, तो वहाँ जाके पता चलेगा वहाँ पे देखने का जो नज़ारा क्या है। और यहाँ से मैं जाऊँगा तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, मैं यहीं से जाऊँगा। और कभी भी मैं ट्रेवल करता हूँ ज़्यादातर मैं गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से किराया वगैरह काफ़ी सस्ता होता है और अपना बजट के लिए बिल्कुल बढ़िया है गाइस। तो चलिए गाइस, बस में बैठते हैं और बस से जाते जाते मैं आपका नज़ारा दिखाता हूँ बेलूर का। चलिए गाइस। ये है गोल्डन टेंपल, बेलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तमिलनाडु राज्य का सबसे खूबसूरत टेंपल, जो उसके अंदर 80 किलो का सोना का लगभग एक मंदिर बनाया है। बट अंदर कैमरा अलाउड नहीं है गाइस, तो ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाहर से कुछ देखने में इस तरीके से है, बहुत ही खूबसूरत दिखिए। और ये बाहर का गेट है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो लगभग यहाँ अगर आपको आना है तो आप बेलूर से बस पे आ सकते हो, इसका किराया 10 से 15 रुपये आपको लेता है। और देखिए ये हाथी का जो उन्होंने एक मूर्ति बनाया है पिलर पे, और ये पिलर है देखिए बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पूजा करने के लिए आप बाहर से फूल ले सकते हो और अंदर जाके आप पूजा कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। तो इसका रूल्स आपको आप फॉलो करना होता है गाइस। अंदर आपका कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है गाइस। तो जो भी आप इक्विपमेंट लेके आते हो वहाँ आपको सबमिट करना होगा, फिर उसके बाद अंदर आप टिकट बना के आप अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो ये है गोल्डन टेम्पल, नारायणी गोल्डन टेम्पल श्रीपुरम पर, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अंदर का। तो मैं अंदर का जो गाइस वीडियो है मैं शूट कर नहीं पाया, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं ये जो आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ ये बाहर का नज़ारा है। फिर लगभग 2 से 3 घंटा घूमने के बाद मैं फिर से रिटर्न आ गया अपने होटल पर। तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ मंदिर के अंदर एक सबसे बड़ा सोने का एक मंदिर मुझे देखने को मिला, जो 80 किलो का था लगभग। तो यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, साउथ इंडिया का जो नज़ारा है काफ़ी एडवेंचर है। यहाँ बड़े बड़े माउंटेन और पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, और यहाँ मंदिरों का कमी नहीं है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। थोड़ा सा रेस्ट करूँगा होटल पे, और कल मैं निकल रहा हूँ बेलूर फोर्ट पे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, एक सबसे पुराना एक इतिहास है वहाँ पे। तो कल मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेलूर फोर्ट का नज़ारा। और आज दूसरा दिन बेलूर फोर्ट पर, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, राजा टीपू सुल्तान का जो इतिहास मुझे यहाँ जानने को मिला। इसके अंदर आपको लिजर्ड, लक्ष्मी, गणेश सभी भगवान को पूजा होता है यहाँ पे। और मिडिल वाले हिस्सा जहाँ एक सबसे बड़ा एक मंदिर है वह भजन कीर्तन वगैरह होता है, और भजन कीर्तन करने के साथ यहाँ एक आराम जहाँ हम रेस्ट कर सकते हैं इस मंदिर पर, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक समाधान बनाया। और ये मंदिर का जो सबसे स्टार्टिंग जो गेट है बिल्कुल ये है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत है। इनका जो डेकोरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं साउथ इंडिया पर, और ये तमिलनाडु राज्य के अंदर ही आता है बेलूर, और इसका डिस्ट्रिक्ट भी बेलूर डिस्ट्रिक्ट ही है, और यहाँ आप आराम वगैरह कर सकते हो। बेलूर फोर्ट का अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ब्लॉग बनाया है, उसका लिंक मैंने दिया है, जाइए देखिए आपको अधिक जानकारी मिल जाएगा वहाँ पे। और ये रहा मेरा कुछ हल्का सा बेलूर का एक्सपीरियंस,
और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वेलोर पे आके। अगर गाइस अगर आपको आना है इस जगह को घूमने के लिए तो आपको चीप एंड रेट में होटल वगैरह मिल जाएगा वेलोर पे। ये था मेरा हल्का सा वेलोर का एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वेलोर पे। तो अगर गाइस अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जो घंटा बन के आएगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और एक लाइक कीजिएगा, जितना सकेंगे गाइस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ जाइए, एक स्पेशल ब्लॉग बनाया है वेलोर के बारे में, जाइए वीडियो को देखिए, इंजॉय कीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले दिन कूल वीडियो के साथ। ओके गाइस, अलविदा, जय हिंद। You carry the world upon your shoulders, for I'm nothing.